बच्चों, स्वागत है आपका एलवीएस टेक फेज 3 के यूट्यूब चैनल पे। एक्सेल में लास्ट क्लास में हमने रिव्यू टैब के बारे में कवर किया था। आई होप आपको रिव्यू टैब अच्छे से समझ आया होगा। आज की क्लास में हम व्यू टैब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, व्यू टैब के अंदर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, वर्क बुक को किस तरीके से देखना चाहते हो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपको एक नॉर्मल ऑप्शन मिलेगा। नॉर्मल ऑप्शन का मतलब है अभी आप अपनी जो शीट देख रहे हो वो एक नॉर्मल शीट है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी यहाँ पे हाइट विड्थ आ रही है शीट की, हाइट विड्थ वो एक नॉर्मल शीट होती है हमारी। यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे वर्कबुक व्यूज के अंदर नॉर्मल मिलेगा। नॉर्मल का मतलब जो भी हाइट विड्थ है, जैसे कि यहाँ पे जो भी हाइट विड्थ आ रही है वो बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट विड्थ आ रही है, तो इसे हम नॉर्मल व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू मिल जाएगा। सबसे पहले देखो, जैसे कि मान लो आपका जो डेटा है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। मेरा ये जो डेटा है मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। अब देखो मेरा डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है तो मुझे करना क्या है, डेटा को प्रिंट करते हैं तो होता क्या है, हमारा डेटा इतना ज़्यादा बड़ा है तो हमारा पूरा डेटा एक साथ प्रिंट नहीं होगा। तो हमें करना क्या है, उस टाइम पे व्यू टैब के अंदर पेज ब्रेक प्रीव्यू को यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपको कितना डेटा डिस्प्ले कराना है, मैंने अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू पे जाना है। तो आप देखोगे यहाँ पे आपको हाफ हाफ शीट में कुछ इस तरीके से डेटा पूरा शो हो जाएगा। पेज नंबर 1 में आपका इतना डेटा डिस्प्ले होगा और पेज नंबर 2 में आपका इतना डेटा डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको पेज लेआउट व्यू मिल जाएगा। अब देखो पेज लेआउट व्यू का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपके पास कंपनी का जो डेटा है बहुत बड़ा डेटा है, मान लो 10,000 वर्कर्स का डेटा है या 20,000 वर्कर्स का डेटा है, तो हमें क्या करना है, पेज लेआउट के थ्रू सारा डेटा देखना है एक एक करके। तो आप क्या कर सकते हो, पेज लेआउट के थ्रू सारा डेटा एक एक करके देख सकते हो। तो मैंने क्या करा, अपने डेटा को सेलेक्ट किया। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पेज लेआउट व्यू में आना है और क्लिक कर देना है। तो जब हम अपनी शीट को छोटा करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी शीट को, जब हम अपनी शीट को छोटा करेंगे तो कुछ इस तरीके से अलग अलग लेआउट में आप यहाँ पे शीट को देख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड शीट का आपका डेटा बना हुआ है, बाकी सारी शीट्स आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस तरीके से आप पेज लेआउट व्यू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, हम क्या करते हैं, आप अपनी शीट को नॉर्मल कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे नॉर्मल कर देते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेज लेआउट व्यू का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको रूलर का मिल जाएगा। अगर आपको देखो यहाँ पे ऊपर एक रूलर बना हुआ नज़र आ रहा है, अगर आप इस रूलर को रखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से अपने डेटा के ऊपर अरेंज रख सकते हो। देन अगर नहीं रखना चाहते तो आप यहाँ से हाइड कर सकते हो, यहाँ से रूलर को शो और हाइड कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको ग्रिड लाइंस का मिल जाएगा। अब ग्रिड लाइंस का यूज़ कैसे करना है, सबसे पहले हम अपने डेटा को नॉर्मल कर लेते हैं। डेटा को नॉर्मल करने के बाद छोटा सा पेज को थोड़ा सा रिसाइज कर लेते हैं। पेज को रिसाइज करने के बाद देखो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ग्रिड लाइंस का यूज़ करना है। यहाँ पे आपकी शीट पे ग्रिड लाइंस शो हो रही हैं, अगर आप ग्रिड लाइंस को हटाना चाहते हो तो शीट आपकी बिल्कुल ड्राइंग शीट की तरह ब्लैंक हो जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार मिल जाएगा। जो भी फंक्शन हम लगाते हैं वो हमें फॉर्मूला बार में शो हो जाता है। अगर आप फॉर्मूला बार को हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो, शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो। अब हेडिंग्स में क्या है, आप अपनी हेडिंग्स को, जैसे ABC हमारी ऊपर हेडिंग्स आ रही है और 1, 2, 3 हमारे साइड में हेडिंग्स आ रही है, तो आप इन्हें रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते, यहाँ से हाइड करना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो ये चीज़ भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको जूम का मिल जाएगा। अगर आप जूम करना चाहते हो तो जूम कर सकते हो, अपनी शीट को कितना जूम करना चाहते हो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप 25%, 50%, 75% कितना रखना है तो आपकी शीट उतनी ही जूम इन जूम आउट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे अगर आपको 100% नॉर्मल करना है तो 100% नॉर्मल भी कर सकते हो। जूम टू सिलेक्शन, सिलेक्शन दोगे तो कुछ इस तरीके से सिलेक्शन देते ही आपका डेटा क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। नॉर्मल करना है, क्लिक करते जाओ तो यहाँ पे देखो क्लिक करते जाओगे और आपका डेटा क्या होगा, जूम होता चला जाएगा। 100% नॉर्मल करना है तो 100% नॉर्मल कर सकते हो। हम क्या चाहते हैं कि सिलेक्शन देते हमारा डेटा जूम होना चाहिए, तो यहाँ पे जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्शन देते आपका डेटा यहाँ पे जूम हो जाएगा। 100% नॉर्मल करना है तो आप यहाँ पे 100% नॉर्मल भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जूम ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।